सके हमने अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हमने रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के विश्वास नहीं करेगा, यू नॉट बिलीव। शायद तो अभी गायत्री से फोन कर सकते, कल ना इतनी याद आ गई, इतनी सारी बातें होगी तेरे बारे में कि अच्छा वो कैसे। अरे यार कल रात हम एक फिल्म देख रहे थे इंग्लिश कॉमेडी, उसके हीरो को देखकर तुम्हें इतनी याद आ गई। मैं गायत्री को बता रहा था कैसे तुम दुकानदार के दुकान से चीजें चुराते थे और बांटता था मैं दोस्तों में। क्या सच पूछ, तुमने जवानी कमाल की और बचपन तो बहुत ही खूबसूरत, चोरी की तो दोस्तों के लिए, पकड़ा गया तो दोस्तों के लिए और छुड़वाया तो दोस्तों में। सुनाया कितनी कुछ गुजरी, सच कुछ तो इससे ज्यादा अच्छी नहीं गुजर सकती, सिवाय एक आध छोटी बड़ी शिकायत जिंदगी से। और दूसरा नीलू कैसी? अरे नीलू फसल है, खा पी के मस्त है यार, फिर याद करती है। एंड जूनियर, जूनियर होटल में उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या बात करे उस वो जाने लगा, कौन सी क्लास में? केजी। पर खुर्दार दो चीजों की आवाज नहीं आती, वक्त गुजरने की और बुढ़ापा आने की। अचानक गौर करने के बाद ही मालूम पड़ता है चीजों पर झुरियां पड़ गई। काफी वक्त गुजर गया है विगू, बहुत टाइम हो गया है। खैर तो काम करेगा, नीलू घर पे एक छोटी सी पार्टी ले रही है जिसमें हम सब पुराने दोस्त नए होकर मिले, और तू आएगा। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा। शिवानी आ रही है इसकी? हाँ, लेकिन रोहित उसे कोई इतराज नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे बारे में सुनकर खुश होती है, या जब उसे मालूम पड़ा कि तुम आने वाले हो। विगू बस मैं नहीं आना चाहता। मैं जब भी उसे देखता हूं कुछ कमजोर हो जाता हूं, बहक जाता हूं, न जाने क्यों उसे मांगने लगता हूं। भूल जा इन बातों को यार, भूल जा। भूल जाओ कैसे? भूल जाओ विजू, जब जब भूलने की कोशिश की है उसे दूर भाग रही, तब तब किसी न किसी बहाने मेरे सामने अगर खड़ी हो जाती कि रोहित याद करो मुझको, मुझे कैसे भुलाएगा तू? कभी वो गिरीश बनकर सामने आ जाती है तो कभी विकू बनकर। मुझसे अच्छी तरह से जानते, उसके बहुत करीब है, क्या वो भुला पाई आपको? शिवानी
दरअसल हकीकत क्या है और सपना क्या है ये न तुम जानती हो और न क्या पता जो कल भी था हमारा वो हकीकत और फिर ले भी तो सच ही माना था का नाम सपना रख दिया। शिवानी, सपना ये भी तो हो सकता है जो आज है और हकीकत जो कल भी था या आने वाला कल। गिरीश, रोहित की सफलता पर मैं खुश हूं। जिंदगी के भी किताबों की तरह पन्ने होते हैं तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ ताकि जब भी जिंदगी दोहराए तो उन पन्नों से गुजरना तो नहीं पड़ता। इतनी नफरत उन लोगों से नहीं गिरीश, बिल्कुल नहीं। उनका तो कोई मोल ही नहीं। याद करने पर कभी कभी बीता हुआ सुख भी बहुत तकलीफ पहुंचाता है। गिरीश, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है बिन मांगे, इतना कि मैं उसे समेट नहीं पाई। आज हालात कुछ और हैं, लोग बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, वक्त आगे बढ़ गया है। हमारे इर्द गिर्द भी काफी तब्दीलियां हुई हैं और आज जिंदगी मुझसे बहुत कुछ मांग रही है। वैसे सीमा, अब शिवानी और अविनाश को फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। मैं तो शिवानी को बोल बोल के थक गई हूँ। क्या कहती है वो? वो बात टाल देती है। सीमा, वैसे उनके बीच में इतनी रौनक तो है नहीं और फिर अविनाश भी ज्यादा शोर मचाने वाला या ज्यादा बातें करने वाला इंसान है नहीं। वो तो फजूल की बातों से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता है। काफी दिनों से देख रहा हूं कि शिवानी काफी अकेलापन महसूस कर रही है। यही वजह है कि उसने नौकरी करनी शुरू कर दी है, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसे नौकरी के साथ हमेशा नफरत थी। मैं चाहता हूं कि अब शिवानी और अविनाश के बीच में तीसरा आ जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शिवानी तो चाहती है लेकिन अविनाश अभी रुकना चाहता है। लेकिन क्यों? कहता है कि उसको अपनी थीसिस कंप्लीट करनी है। अरे थीसिस तो बाद में भी कंप्लीट कर सकता है, उसने कौन सा बच्चा पालना है। तो भी फर्क तो पड़ जाता है ना। हमें फर्क पड़ा क्या? आपको कहाँ पढ़ने लिखने का काम था और आप कहाँ अपनी बेटी का बड़े होने का ध्यान देते हैं। आप तो सुबह चले जाते हैं और शाम को आके धड़ाम। अरे मैं ये करता हूँ तो किसके लिए करता हूँ? जी, ये हर आदमी का जवाब है। तो क्या गलत जवाब है क्या? नहीं, लेकिन बीवी बच्चे भी तो होते हैं ना। तो मैं कौन सा बीवी बच्चों को छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप ध्यान कहाँ देते हैं? अगर मेरी जगह कोई दूसरी होती ना, वो कब के आपको छोड़ के चली गई होती। बस इतनी सी बात के लिए कि वक्त नहीं देते? ये कौन सी छोटी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इंसान को अपनी बीवी बच्चों के लिए भी समय निकालना चाहिए।
समझ गया भाई, ओके। आप क्या खाक समझे, अब तो समझने का वक्त ही निकल गया, अब तो बुढ़ापा आ गया। हाँ देखो तुम्हारे सफेद बाल आ गए। मेरे सफेद बाल? और आपके? आपके तो सारे बाल ही उड़ गए। शिवानी फोन करती है न तुम, कल संडे था, हम सारा दिन इंतजार करते रहे। क्यों किया इंतजार, फोन करके आ जाते भैया भी ना, कभी कभी उनके पास ही वक्त नहीं रहता, उठाकर दूसरों पर फेंकते। शिवानी उन्होंने और बात भी कही, क्या कहने लगी, अविनाश तुम्हारे घर में शोर बहुत कर रहा है। क्या? हाँ मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा भैया आप ये कह रहे हैं, हमारे घर में शोर तो बहुत ज्यादा होता है, वो सैमसन अकेला ही एक मोर्चे के बराबर है। तो कहने लगे मैं उस शोर की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस नन्हे से शोर की बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है शिवा? मैं क्या जानू, तुम्हें लगता है प्लानिंग करनी चाहिए? मुझे मत पूछो। अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार और कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आ गया तो मेरा तो सारा ध्यान उसी में लग जाएगा। मेरी थीसिस तो गई, तो एक काम करें, मेरी थीसिस खत्म हो जाए उसके बाद 5, 10, 15, 20। तुम्हें कल कितने बजे जाना है? ठीक 8:30। अरे अभी नींद का आ गया, मैंने तो बहुत काम पड़ा है। इससे पहले कि मैं अपना काम शुरू करूं तुम काम करो। कॉफी अभी लाती हूं। वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हमने, किसको मालूम कहाँ के किधर के हमने, रुखाओं का जिधर का है उधर के हमने। तुमने ठीक किया शायद, बल्कि अच्छा ही किया, मैं कुछ जरा सा बह गया था। मन का क्या, वो तो पागल घोड़े की तरह बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के भागते ही रहना चाहते हैं। मगर जीवन के कुछ उसूल हैं, नियम हैं, जिंदगी की अपनी कुछ शर्तें हैं जो उसने हमारे सामने रखी, और हमें बिना शर्त माननी पड़ेगी। और फिर रोहित, हमारी जिंदगी अकेली नहीं है, हमारी जिंदगियों के साथ साथ कुछ
और जिंदगियां भी जुड़ी हुई हैं जो हमारे सही या गलत कदम पर बहुत निर्भर करती हैं। दरअसल हमारे अलग होने के बाद मैं तुमको भी अपने जीवन से निकाली नहीं पाया। जिसे देखा उसे कभी नहीं पाए, बस भागते रहे उसके पीछे। पीछा करो इतना जिंदगी का रोहित, अंत में सिर्फ मुट्ठी भर यादों से ज्यादा तुम्हारी हथेलियों में कुछ नहीं समाया। क्या बात है, तुम कुछ सोच रहे हो? मैं सोच रहा था गायत्री, इंसान इतना भागता क्यों है? वो थकता क्यों नहीं? आखिर वो चाहता क्या है? तुम किसी बेचैन इंसान की बात कर रहे हो जो कि बहुत ही असंतुष्ट है। शायद ऐसे ही होगा। ऐसा ही है रोहित, चैन का नाता दिल और दिमाग दोनों से होता है। दिल को अगर तसल्ली हो पर दिमाग न माने, या फिर वो राजी हो जाए मगर दिल कुछ और मांगे। इसलिए कहते हैं ना, मरते दम तक लोग बेचैन की बेचैनी रहते हैं। क्यों गायत्री, क्यों? क्योंकि वो उस चीज को अपनाना चाहते हैं जो उनकी है ही नहीं और कभी बन भी नहीं सकती। उनकी यही मांग उनको भटकाती है। मुझे जो मिला मैंने उसे अपनाया, ना कि जो नहीं था उसे कभी अपनाने की कोशिश की। जब रोहित मेरा नहीं था तो नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं उसे अपनाऊं। और जब रोहित मुझे मिला तो मैंने उसे अपनाया। अब वो किसी और का नहीं, मेरी अमानत है। और गायत्री, अगर उसे तुमसे कोई छीन कर ले जाए तो शायद जिंदा ना बचे। मगर अगर रोहित मुझे छोड़ दे तो शायद मैं जिंदा ना रह पाऊं। गायत्री, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? पता नहीं, मगर मैं जानती हूं कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूं। तुम्हें कैसे पता?
जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब वो कभी बराबरी का नहीं होता। वो एक दूसरे से उतना ही प्यार नहीं कर सकते, हमेशा एक ज्यादा प्यार करता है और दूसरा कम। ऐसा लोग बोलते हैं और शायद है भी। हम दोनों के लिए देख लो, तुम पागल हो गए। पता है, पर तुम कभी मत बनाना। चलते रहते के चलना है मुसाफिर का सी, चलते रहते के चलना है मुसाफिर का नसी, सोचते रहते किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर गए हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपनी सफर गए हम हैं, अपनी मर्जी कहाँ अपनी सफर।